सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू खॉस किचन। कैसे हैं आप लोग? तो आज एक खिचड़ी की रेसिपी के साथ, खिचड़ी मैं बनाऊंगी वेजिटेबल खिचड़ी। जैसे कई बार ये होता है कि जैसे किसी की तबीयत खराब है या घर में वैसे खिचड़ी खाने का दिल कर रहा है, बट बच्चे या जेंट्स लोग जो है वो बोल रहे हैं कि बिना खिचड़ी नहीं खानी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो वो पसंद करेंगे, थोड़ा उनको चेंज लगेगा उसके टेस्ट में, क्योंकि रेगुलर खिचड़ी की तरह से ये नहीं होगा। तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए। यहाँ पर मैंने घी पहले से रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये देसी घी में बना रही हूँ, तब तक मैं इसमें हींग डाल देती हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या किया मैंने। ये जो दाल और चावल है, चावल जो थे मैंने खिचड़ी वाले लिए थे, जो टुकड़ा चावल होते वो एक कप लिया है, और दाल लिए मैंने मूंग मसूर धुली हुई वो आधा कप, और ये दोनों जो थे ना हाफ हाफ रेशो में मैंने दोनों दाल डाल दी थी। ठीक है, और ये मिक्स वेजिटेबल्स है, जो सब्जियां आप पसंद करते हैं आप वो सब्जियां इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपकी पसंद की हो। आजकल तो सीजन में बहुत सी हैं, तो दे आर वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन ऐड। ठीक है, ये एक छोटा प्याज काटा है, एक मीडियम साइज का टमाटर, लहसुन ये ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन पसंद नहीं करते तो आप मत डालिए, ये अदरक, जीरा और ये काली मिर्च और नमक। ठीक है, पानी हम बाद में उसके अंदर डालेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसके अंदर मैं ये जीरा डाल दूंगी। बहुत इजी रेसिपी है, कोई इसमें वो नहीं है, और बहुत हेल्दी चीज बनेगी। बस तेल ये गर्म ही था हमारा, घी जो था, अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर ये प्याज डाल दूंगी। फ्लेम को अब मैं हाई कर लेती हूँ, बस फटाफट बन जाती है ये खिचड़ी। मूंग मसूर की दाल है, तो आप जब तक सब्जियां चॉप करेंगे तब तक आप दाल और चावल दोनों को सोक करने के लिए रख दीजिए, तो सोक करने से क्या होता है वो जल्दी बनता है। अब ये देखिए ये हो रहे हैं, जब तक ये प्याज पकता है इसके अंदर मैं ये लहसुन, ये एक चम्मच के अराउंड है, ये डाल दूंगी, और ये अदरक भी डाल दिया, ये भी एक चम्मच है। अगर आप अदरक लहसुन अदरक पसंद नहीं करते तो आप अदरक को जो है अच्छे से पीस के डाल सकते हैं, या ग्रेट करके, और अगर पसंद ही नहीं है तो आप इसको स्किप कीजिए। वैसे अदरक अच्छी होती है हेल्थ के लिए, बाकी अपना अपना टेस्ट है। और ये मैंने डाल दिया, इसके साथ ही मैं नमक डाल दूंगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, आप किस हिसाब से पसंद करते हैं। बहुत हेल्दी बनेगी ये, जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं और उनको हेल्दी खाना है तो वो भी ये खा सकते हैं, और देसी घी नुकसान नहीं करता अगर आप ठीक रेशो में लें तो। दो चम्मच देसी घी तो डेली का खाना ही चाहिए। और इसके अंदर प्याज को हमको जो है लाल नहीं करना, बस उतना ही करना है जिससे इसका थोड़ा ये ट्रांसपेरेंट हो जाए, इसका कच्चापन चला जाए। बस अब प्याज जो है अपना कलर छोड़ रहा है, अब ये इसके अंदर ये टमाटर डाल दूंगी मैं। देखिए इस तरह से ये टमाटर डाल दिए, और अब इसके साथ ही मैं ये जो सब्जियां मैंने काटी हुई हैं, मैंने जो काटी है, मटर है, बीन्स है, गोभी है, ब्रोकली है, गाजर है, थोड़े से स्वीट कॉर्न्स भी डाले हैं मैंने। आपको जो सब्जियां पसंद हो या उस टाइम घर में जो अवेलेबल हो आप वो सब्जियां डाल सकते हैं। अब इसको हम इस तरह से 5 मिनट के लिए इसी तरह से हम इसको भूनेंगे, थोड़ा सा ये जो है पक जाए सब्जी अच्छे से, और 5 मिनट में हम इसको इसी तरह से भूनेंगे, और उसके बाद फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए सब्जियां जो है काफी ज्यादा रिड्यूस हो चुकी है, मेरे को 5 मिनट हो गए इनको भूनते हुए। ये देखिए काफी रिड्यूस हो गई हैं सब्जियां। अब इस टाइम पर मैं इसके अंदर ये काली मिर्च डाल दूंगी, और आप जो मिर्च है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कितने। वैसे इसमें काली मिर्च ही अच्छी लगती है, अगर आपको लाल मिर्च डालनी है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये खिचड़ी में सिर्फ नमक, जीरा और काली मिर्च, बस इतना हो तो वही काफी रहता है, तो खिचड़ी का टेस्ट अपना ही आता है इसमें। बस अब ये हमारा सारी सब्जियां जो है अच्छे से भून चुकी हैं, अब इसके अंदर मैं ये जो मैंने खिचड़ी को सोक करके रखा था दाल और चावल को, उसको मैं इसके अंदर डालूंगी।
और पानी ऐड कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं पानी और ऐड करूंगी थोड़ा, क्योंकि खिचड़ी थोड़ी ढीली ढीली ही अच्छी लगती है। तो ये पानी जो है आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। अब देखिए मैंने इतना पानी डाला है कि जितने में कि सारी जो दाल चावल और सब्जियां हैं सारी अंदर अच्छे से डिप हो गई हैं। तो अब इस टाइम पे मैं ये कुकर को बंद कर दूंगी और अब जब एक विसल आ जाएगी तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, बिल्कुल लो कर देंगे और उसी तरह से हम लो फ्लेम पर ही गैस खिचड़ी को 10 मिनट के लिए बनने देंगे लो फ्लेम पर। 10 मिनट के बाद हम गैस बंद कर देंगे और जितनी भी स्टीम होगी जब तक वो अपने आप रिलीज नहीं हो जाती तब तक हम इसकी स्टीम को नहीं निकालेंगे, अपने आप उस स्टीम में हम खिचड़ी को बनने देंगे। ठीक है, तो अब एक विसल के बाद कितनी देर रुकना है, 10 मिनट। 10 मिनट के बाद गैस बंद करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं पूरी सारा प्रोसेस हो जाने के बाद। तो चलिए देखते हैं, स्टीम सारी रिलीज हो चुकी है, इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए खिचड़ी बहुत अच्छी बनी है। और इफ यू वांट यू कैन ऐड टर्मरिक आल्सो, इट्स टोटली ऑप्शनल। और आपका मन करे तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं हल्दी, और मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि हल्दी जो है हम दलिये में भी डालते हैं, फिर दलिया भी अगर हम वेजिटेबल बनाए वो भी पीला, खिचड़ी भी पीली, तो फिर वो एज पर माई ओन चॉइस मेरे को नहीं पसंद। आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। तो अभी हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने ये खिचड़ी इसमें डाल दी, अब इसके ऊपर से हम डाल देंगे ये देसी घी। खिचड़ी में अगर देसी घी ऊपर से ना डालो तो उसका मजा ही नहीं आता। और बीच में हम डाल देंगे थोड़ा सा धनिया और बस। ये देखिए हमारी जो है वेजिटेबल खिचड़ी बनके तैयार है। ट्रस्ट मी इट्स वेरी यम्मी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ट्राई कीजिएगा। गरम गरम आजकल के मौसम में खानी बहुत अच्छी लगती है, इट्स अ वेरी हेल्दी डिश। और ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहीं पर ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय।